हाय फ्रेंड्स, ये हमारा ट्रिक्स ऑफ स्ट्रेट लाइन का थर्ड लेक्चर है। स्ट्रेट लाइन काफ़ी बड़ा लेक्चर टॉपिक है, इसलिए हमें इसमें तीन लेक्चर में कन्वर्ट करना पड़ा। इसमें जो हम मेनली टॉपिक्स डिस्कस करेंगे वो डिस्टेंस फार्मूला के ऊपर ही बेस्ड हैं कि स्क्वायर वेदर गिवन वेदर फोर गिवन पॉइंट्स फॉर्म स्क्वायर रोम्बस पैरेललोग्राम रेक्टेंगल एक्सेट्रा ऑर्थो सेंटर इन सेंटर सेंट्रॉइड, ये वाले क्वेश्चंस हम असेंशली इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के नोट्स आपको exam.com/13061 पर मिल जाएंगे। एंड इस वीडियो में हमने कुछ प्रॉब्लम्स जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर के हिसाब से बना है उसी के क्वेश्चंस लेके हमने ये ट्रिक्स को आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। और जैसे एक टॉपिक पे किसी पिछले सालों में 6-7 क्वेश्चन आए तो 2-3 हमने उसमें आपके लिए सॉल्व कर दिए हैं और 3-4 आपको एज एक्सरसाइज दे दिए हैं। तो इस वीडियो की ये जो लेटेस्ट कॉपी है वो भी आपको exam.com/13061 में मिलेगी, क्योंकि बीच बीच में हम लेक्चर्स को इम्प्रूव करते रहते हैं, उनको और मीनिंगफुल बनाते रहते हैं। तो जो हमारा लेटेस्ट वीडियो है वो आपको exam.com/13061 पे मिलेगा, तो वो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं अलॉन्ग विद द लेक्चर नोट्स ऑफ दिस टॉपिक। नाउ पहले तो हम ये समझ लें कि भाई ये हमारे स्क्वायर रोम्बस पैरेललोग्राम रेक्टेंगल ट्रेपेजॉइड काइट ये सब है क्या। ये सब हमारे जो है क्वाड्रिलेटरल की डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हैं, तो इनकी भाई ये तो शेप तो हमें पता ही है, वह बेसिक प्रॉपर्टी भी पता है कि क्या है, लेकिन इसकी जो मेन प्रॉपर्टीज हैं, जो की प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, तो ये वाली सारी प्रॉपर्टीज को हम एक बढ़िया टेबल के फॉर्म में आपको बताएंगे। तो पहले तो हम ये समझें क्वाड्रिलेटरल क्या हुआ। ये क्वाड्रिलेटरल हो गया, पैरेललोग्राम जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल हो गई हमारी। फिर पैरेललोग्राम दो टाइप के हैं कि भाई रेक्टेंगल एंड रोम्बस, और इन ये जो है अगर कोई चीज शेप रोम्बस की भी फॉलो कर रही है और रेक्टेंगल की भी प्रॉपर्टी फॉलो कर रही है तो वो हमारा स्क्वायर हो गया। अदर देन दैट वी हैव ट्रेपेजियम काइट एंड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल विच इज इन ए सर्किल, तो ये जो है हमारे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल हो गए। अब इनकी थोड़ी प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। देखिए पैरेललोग्राम इसकी क्या है कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एंड कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। अगर ये हमारी इसकी कंडीशन है और हमने इस इमेज से बोला है कि ये भाई पैरेललोग्राम जो है ये तो हमारे सारे ही है, तो इसका मतलब कि रेक्टेंगल के भी डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे, रोम्बस के भी डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे एंड स्क्वायर के भी डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे, उनके भी एंगल्स जो है वो रेस्पेक्टिव एंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट होंगे, अपोजिट साइड्स हमारी कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो ये वाली सारी प्रॉपर्टीज इससे रेक्टेंगल रोम्बस और स्क्वायर को मिल रही है। इनको हमने इस कलर में आपका डिस्प्ले किया हुआ है कि भाई ये वाली प्रॉपर्टीज यहाँ से आ गई और इसमें रेक्टेंगल में नई प्रॉपर्टीज क्या जुड़ गई कि डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड इट कंटेन्स 4 राइट एंगल्स, जो ऑल द इनसाइड एंगल्स आर राइट एंगल्स। रोम्बस में हमारी क्या आ गई कि 4 साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर। इसमें जो मेन पॉइंट जुड़ा वो ये जुड़ा यहाँ पर कि डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर्स एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स, ये दो क्वालिटीज इसमें हमारी और जुड़ गई। तो अब हमारे जो वो बना स्क्वायर बना उसमें ये वाली प्रॉपर्टीज भी है और ये वाली प्रॉपर्टीज भी है। इसमें एडिशनल प्रॉपर्टी क्या होगी, दोनों की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहे हैं ना, तो क्योंकि इट इज ए रेक्टेंगल एज वेल एज ए रोम्बस, तो दोनों की प्रॉपर्टीज को हम जोड़ देंगे तो ये हमारा स्क्वायर की प्रॉपर्टीज आ गई। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं कि अगर ये वाला क्वेश्चन जो है 3 डायमेंशनल का है,
लेकिन इसमें कोई उसकी नॉलेज की जरूरत नहीं है भाई। डिस्टेंस फार्मूला तो जो हमारा 2 डायमेंशन में है वही 3 डायमेंशन में है, तो बस एक वेरिएबल और जुड़ गया उसमें। तो इसमें हमें मतलब 3 डायमेंशन में पता करना है कि भाई ये पॉइंट्स जो है ये रोम्बस, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम और स्क्वायर के किसके ये पॉइंट्स हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले चारों साइड्स की डिस्टेंस निकाल लिए एंड फिर उसके जो है डायगनल्स उसके हमने डिस्टेंस वो निकाल लिया, लेंथ निकाल ली। तो ये हमने जो है इस तरह से पहले सारी साइड्स के हमारे ए बी की वैल्यू हमने इस फार्मूला से, डिस्टेंस फार्मूला से निकाल ली, बी सी की निकाल ली, डी ए की निकाल ली, ए सी की निकाल ली एंड सी डी की निकाल ली एंड बी डी की। तो चार हमारी साइड्स की लेंथ आ गई और हमारा जो है ये इसकी हमारी डायगनल्स की लेंथ आ गई। तो अब इसमें हमने क्या देखा कि फोर्स, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। तो हमारा इसका मतलब क्या हुआ कि या तो ये रोम्बस है या ये हमारा स्क्वायर है। अब हम इन दोनों में कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि ये हमारा रोम्बस है या स्क्वायर है, अगर ये हमारी सारी साइड्स पता है। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि बी डी अगर स्क्वायर है तो हमारे डायगनल्स इक्वल होंगे, और अगर हमारा रोम्बस है तो वो हमारे डायगनल्स इक्वल नहीं होंगे। तो क्योंकि इस केस में बी डी और ए सी इक्वल नहीं है तो ये हमारा रोम्बस हो गया। तो देखिए थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ी, लेकिन क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट हमारा बहुत सिंपल है अगर आपको मेथड पता है। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन हो तो पहले आप चारों साइड्स निकाल लें और दोनों डायगोनल की लेंथ निकाल लें, और फिर आप देखें कि क्या आपका उसमें प्रॉपर्टीज है, उनमें क्या रिलेशन है, उसके बेसिस पे आप कंक्लूड कर सकते हैं कि ये रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है, ये रोम्बस है और पैरेललोग्राम है। इस क्वेश्चन में भी हमें फिर से 4 पॉइंट्स दिए हैं और पूछा है कि ये स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम की बजाय ये कह रहे हैं कि ट्रेपेजियम है। तो हमारा ट्रेपेजियम क्या होता है, ट्रेपेजियम ये होता है कि भाई इसकी दो साइड्स जो है वो पैरेलल होती है और बाकी साइड्स हमारी इस तरह की हो गई, ये हमारा ट्रेपेजियम हो गया। इसकी ये साइड इस साइड के पैरेलल है। तो इसमें क्या खास बात है कि इसकी चारों साइड्स की लेंथ डिफरेंट है। स्क्वायर, रोम्बस और ट्रेपेजियम हम रेक्टेंगल कुछ भी लेंगे तो एटलीस्ट अपोजिट साइड की तो हमारी लेंथ रेक्टेंगल में भी बराबर होती है। तो अब हम इसकी चारों साइड्स की हमारा मेथड वही रहेगा कि हम पहले चारों साइड्स और दोनों डायगनल की निकाल लेते हैं, और पहले एक बार चारों साइड की भी निकाल के देख लें कि क्या कहते हैं, बिफोर वी गो ऑन कैलकुलेटिंग द लेंथ ऑफ डायगनल्स हम चारों साइड की ही डिस्टेंस निकाल के, लेंथ निकाल के देख लेते हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया कि भाई सीधा सीधा डिस्टेंस फार्मूला लगाया और इसको सॉल्व करना शुरू किया। ये हमारा पॉइंट्स हो गए, ए बी हमने निकाला, बी सी निकाला, सी डी निकाला और डी ए निकाला। एंड क्या निकल के आया कि भाई चारों साइड की लेंथ डिफरेंट है। तो चारों साइड की अगर लेंथ डिफरेंट है तो ये तो इन तीनों में से कुछ हो ही नहीं सकता, इट हैज टू बी ट्रेपेजियम। तो हमें इस केस में डायगोनल निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब इसमें पूछा गया है, ये सिमिलर वही क्वेश्चन है कि भाई क्या है, तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि इसको आप अपने आप कर लीजिएगा। इसका सॉल्यूशन हमारे लेक्चर नोट्स में अलोंग विद द वीडियो ऑफ दिस क्वेश्चन सॉल्यूशन इज ऑल्सो अवेलेबल इन आवर लेक्चर नोट्स। अब ट्राइंगल्स रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेते हैं कि भाई ये वाले जो पॉइंट्स हैं हमारे, ये वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। तो इसके लिए क्या करेंगे कि हम भाई तीनों साइड्स का डिफरेंस वो वैल्यू निकाल लेंगे कि कितना डिस्टेंस है, उनकी लेंथ कितनी है और उसका जो है हम उससे, क्योंकि वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो तीनों बराबर होनी चाहिए तीनों साइड्स की लेंथ, तो हमारी इससे के की वैल्यू निकल के आ जाएगी। चलिए शुरू करते हैं इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना। ए बी सी ये पॉइंट है, ए बी हमारा 2 आ गया, बी सी हमारा सॉल्व करके ये आ गया और ए सी हमारा सॉल्व करके ये आ गया। हमें यहाँ तक जाने की जरूरत ही नहीं, हमने इसको
ए इसके इक्वल कर दिया, ए बी इज इक्वल टू बी सी कर दिया, तो के की इक्वेशन आ गई ना, उससे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमने सॉल्व किया, तो हमारा इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ये तीनों को सॉल्व कर लिया, तो हमारी अगर ये सेकंड और थर्ड को अगर हम ले लेंगे तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी पड़ेगी। तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई, इससे इसको सॉल्व करके हमारी वैल्यू आ गई के इज इक्वल टू 5। तो क्वेश्चन सिंपल है, कॉन्सेप्ट सिंपल है, लेकिन इसमें थोड़ी कैलकुलेशन है। अब अगली बार जब आपके पास कोई क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करेंगे कि भाई हमें तो एक ही वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है ना, के की, तो आप हमेशा इस वाले पाइए ए बी सी हैं, तो आप क्या करेंगे, ए सी और बी सी की वैल्यू निकाल के उन्हें इक्वेट कर देंगे, तो आपकी एक सिंपल इक्वेशन आ जाएगी, लीनियर इक्वेशन इनके, जिसको सॉल्व करना इज वेरी इजी। तो ये वाला मेथड आपके लिए ध्यान, आपको ध्यान में रखना, ये प्रॉब्लम हमारी 2012 में आई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टिसेस। ये तो बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हो गया, तीनों साइड्स की लेंथ निकाल दें, उनको ऐड कर दें, हमारा पेरीमीटर आ जाएगा। ये देखिए, इसमें हमने तीनों साइड्स की लेंथ निकाली, ए बी हमारा 5 आ गया डिस्टेंस फार्मूला से, बी सी हमारा 5 आ गया, और तीसरा 5√2 आ गया, तो 10 + 5√2 हमारा बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट हमारा हो गया द पॉइंट्स 5 1 1 -1 एंड 11 4 आर, ये कॉलिनियर है, वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल है। ये हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट्स हमारे कॉलिनियर निकल के आएंगे। अब तो पहले इसमें हम कॉलिनियरिटी चेक करते हैं, फिर हम इसमें आगे बढ़ते हैं। तो ये इस वाले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, ये हमारा पॉइंट है, हमने इसको सॉल्व किया और हमारी वैल्यू इसमें 0 = 0 कॉलिनियरिटी की आ गई, तो हमें आगे कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेंट्रॉइड, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर एंड एक्सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल। तो इसमें हमें फार्मूला केवल सेंट्रॉइड का याद करना है, x1 + x2 + x3/3 कॉमा y1 + y2 + y3/3। ये वाले फार्मूले इतने लंबे लंबे हम यूज करके आंसर नहीं निकालेंगे, हम उसकी जो शॉर्ट टेक्ट्रिक्स हैं वो निकालेंगे कि क्या क्या हमारा वो है, वो ट्रिक क्या है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में सेंट्रॉइड, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर एंड इन सेंटर आर कोलिनियर, और इसमें जो ये यूलर्स लाइन पे लाई करते हैं, और इसके जो रेशियो है वो अगर हम ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड एंड सर्कम सेंटर का लेंगे तो हमारा जो सेंट्रॉइड है वो ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। दिस इज फॉर एनी ट्राइंगल, और इसके केस में अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ये जो हमारा इन सेंटर है ये भी इनको ज्वाइन करने वाली लाइन पे होता है, और इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल सेंट्रॉइड, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर एंड इन सेंटर कोइंसाइड। तो इसके जो ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर के जो अधिकतर क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके लिए पहले आप उसकी साइड्स निकाल के ये चेक कर लीजिए कि क्या इसमें हमारा ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो सेंट्रॉइड निकालना हमारा सबसे आसान है, तो वो हमने निकाल के आपका क्वेश्चन कर लिया, क्योंकि बाकी भी सब उसके इक्वल है। अब इसका एक हम क्वेश्चन ले लेते हैं, ये क्वेश्चन 2017 का ही है। तो इसमें क्या दिया हुआ है हमारा कि द इफ ए वर्टेक्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 1 1 एंड मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल थ्रू दिस वर्टेक्स आर -1 2 एंड 3 2, तो हमारा सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल क्या होगा। अब हमारा फार्मूला तो जो ये ट्राइंगल है, तो हमारा फार्मूले के लिए तो ए बी और सी तीनों के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पहले बी और सी के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। तो हमारे बी और सी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, हमारे ये ए के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे, तो ये हमारे बी और सी के हमने कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए, तो हमारा ये सी के कोऑर्डिनेट्स आ गए, उनके बाद हमने ए के
इस फार्मूले में वैल्यू रख के हमने उसे सॉल्व कर लिया और हमारा आंसर आ गया। तो कई बार ये नहीं है कि आपने 3 पॉइंट देखे और ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ा नहीं और आपने उसका सेंट्रॉइड तेजी से निकाल दिया, तो वो भी हमारा इसमें अगर आप देखेंगे तो एक ऑप्शन हो सकता है कि जिसमें तीनों पॉइंट से आपने वर्टिसेस मान के किए हैं, बट इसमें 2 पॉइंट से तीसरे पॉइंट की इक्वेशन तो हम निकाल ही सकते हैं ना। अगर ये पॉइंट हमारे 1 2 है तो ये हमारा पॉइंट एक्स वाई है, तो एक्स प्लस 1/2 हमारा, अगर ये 1 है तो एक्स इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स प्लस 1/2 इज इक्वल टू -1 एंड वाई प्लस 1/2 इज इक्वल टू 2, तो हमारा एक्स वाई के कोऑर्डिनेट ए के निकल आए। सिमिलरली हमारा इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट सी के निकल आए और हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन वो क्या है वो देखते हैं कि इन सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल विद वर्टिसेस 1√3 0 0 एंड 2 0। तो इन सेंटर का वो लंबा वाला फार्मूला तो हमने यूज करने से आपको मना किया है और वो हमने कहा है कि याद भी ना करें, तो क्या करें कि आप इनका पहले देख लें, लेंथ निकाल लें कि लेंथ कितनी है तीनों साइड की। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो वो हमारा जो सेंट्रॉइड है वही हमारा इन सेंटर हो जाएगा। देखिए ये वो कितनी शॉर्ट ट्रिक है कि ए बी, ए सी और बी सी तीनों हमारी लेंथ 2 है, तो हमारा ट्राइंगल इक्विलेटरल हो गया। तो हमारे जो सेंट्रॉइड है जो बहुत ही इजी है निकालना, उससे हमने सेंट्रॉइड निकाल लिया और इन सेंटर की जो कोऑर्डिनेट्स है वो भी सेम एज सेंट्रॉइड हो गया। तो ये ट्रिक अगर आप नहीं लगाएंगे और इन सेंटर का फार्मूला करके आप करने की कोशिश करेंगे, आप आधा घंटा इसमें लगा देंगे और फिर भी आंसर गलत आएगा अगर आपने कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी इसमें। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ इन ए ट्राइंगल सर ए इज इक्वल टू 1 0 10, ठीक है ये ए पॉइंट हो गया, सर्कम सेंटर हमारा दे रखा है, ऑर्थो सेंटर दे रखा है, देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ साइड अपोजिट टू ए ये पूछे हैं। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, एक तो इसमें सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर दिया हुआ है, हमें पता है कि सेंट्रॉइड जो है ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो अगर ये दोनों दिए हुए हैं, इन तीनों में से कोई भी 2 पॉइंट दिए हुए हैं, तो हम थर्ड निकाल सकते हैं इस फार्मूला से। अगर हमारा जब सेंट्रॉइड का क्वेश्चन वो कोऑर्डिनेट आ गए तो ये हमारा पॉइंट 1 10 हो गया, ये हमारा कोऑर्डिनेट सेंट्रॉइड हमने एक निकाल लिया सेक्शन फार्मूला से, तो इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो ये भी सेक्शन फार्मूला से निकल आएंगे, क्यों, क्योंकि सेंट्रॉइड क्या होता है कि हमारे किसी भी वर्टिसेस को अपोजिट साइड के मिडिल पॉइंट से जो मिलाता है, तो अगर इस वाली लाइन को ज्वाइन करेंगे तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारी लाइन हो गई जो कि सेंट्रॉइड के थ्रू होके जा रही है मिडिल पॉइंट वाली। और ये सेंट्रॉइड जो है ये किस रेशियो में डिवाइड होता है, अगर ये इस पॉइंट को वर्टिसेस को अगर हम मिडिल पॉइंट से मिलाएं तो ये हमारा 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए हमें 2 बार सेक्शन फार्मूला लगाना पड़ेगा, एक बार सेंट्रॉइड निकालने के लिए और एक बार ये निकालने के लिए। और हमें ये पता होना चाहिए कि सेंट्रॉइड जो है वो 2:1 के रेशियो में डिवाइड होता है अगर हम किसी वर्टिसेस को हम उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से मिलाते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसमें हमने कैसे किया है, ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर है तो हमारे कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड निकल आए, हमारा सेक्शन फार्मूला निकाल के क्योंकि ये 2:1 के रेशियो में होते हैं और ये हमारे सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट निकल आए, तो फिर हमने सेक्शन फार्मूला लगाया तो हमारे पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट इस तरह से निकल आए। ये कैलकुलेशन आपके लिए हमने खुद करने के लिए छोड़ दी है, तो मिडिल पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे ये आए, ये हमारा करेक्ट आंसर आ गया। तो हमने आपको अभी तक एक तरीका बताया था कि अगर किसी ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस दिए हैं और सर्कम सेंटर इन सेंटर वगैरह निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, तो उसमें पहला तरीका तो ये था कि भाई चेक कर लीजिए कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है और अगर सेंट्रॉइड उसके अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है
तो हमारे वो तीनों पॉइंट्स जो है वो सेम होते। तो लेकिन सरकम सेंटर वाली जो हमारी प्रॉब्लम है उसमें एक बार देख तो लीजिए कि हम बिफोर वी स्टार्ट दिस मेथड कि हम इसका सेंट्रॉइड हमारा कितना आ रहा है, क्या वो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट यहाँ पे दे भी रखे हैं। अगर नहीं दे रखे, जैसे इस केस में -2 +2 0 हो गया, +1 1, तो 1/3 तो इसमें है ही नहीं, तो ये वो वाला नहीं। इसमें भी इस क्वेश्चन को करेंगे तो हमारा ये इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं आएगा। तो फिर हम दूसरा मेथड यूज करेंगे। दूसरा मेथड हमारा इसमें क्या है, दूसरा मेथड ये है कि भाई अगर ये हमारा मान लीजिए इसके जो हमारा सर्कम सेंटर है वो पी है और ये हमारा ट्राइंगल हो गया, ठीक है, और ये हमारा सर्कम सेंटर है पी, तो ये हमारा जो सर्किल है ये तीनों ये हमारे वो डिस्टेंस हो गए। अब हमारा इन तीनों से जो सर्किल पास हो रहा है तो ये हमारा पी क्या हो गया, पी हमारा सेंटर हो गया और ये तीनों डिस्टेंस हमारे रेडियस हो गए। तो ये पी ए और पी इज इक्वल टू पी बी एंड पी बी इज इक्वल टू पी सी, तो इससे हमारी क्या आ जाएंगी, दो इक्वेशन आ जाएंगी। अगर इसकी कोऑर्डिनेट्स हम एक्स वाई या एच के कुछ मान लेते हैं, तो अगर हम ये करें पी ए इज इक्वल टू पी बी तो एक इक्वेशन ये आ गई, पी बी इज इक्वल टू पी सी करा तो एक इक्वेशन ये आ गई, उन दोनों को सॉल्व कर लिया तो हमारा पी के कोऑर्डिनेट्स आ गए। लेकिन पहले आप वही चेक कर लीजिए कि भाई सेंट्रॉइड हमारा है कि वो सब सेम होंगे कि नहीं, क्योंकि वो वाले क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा आते हैं, क्योंकि इस तरह वाले क्वेश्चन में भी काफी हमारी कैलकुलेशन हो जाती है। तो इस वाले क्वेश्चन का अब अगर हम इस तरह से चले तो हमारा क्या पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर हम कर लें तो हमारा ये वाली इक्वेशन आ गई, फिर हमने इसको सॉल्व किया तो हमारी एक लीनियर इक्वेशन आ गई। तो सिंपल सी 8x-4y+8 इज इक्वल टू 0। अब हमने दूसरी वाली ली ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी सी स्क्वायर, उससे भी एक हमारी लीनियर इक्वेशन आ गई। इन दोनों इक्वेशन को जब हमने सॉल्व किया तो हमारे कोऑर्डिनेट आ गए सरकम सेंटर के। इस तरह के क्वेश्चन अब नहीं आते हैं, कम आते हैं, क्योंकि इसमें भी काफी कैलकुलेशन हो जाती है। इसीलिए हम सजेस्ट करते हैं कि पहले आप चेक कर लीजिए कि ये सेंट्रॉइड वाले मेथड से तो नहीं होगा। सो विद दिस आवर डिस्कशन ऑन ट्रिक्स ऑफ स्ट्रेट लाइन फॉर एनडीए इन्वॉल्विंग क्वेश्चंस रिलेटेड टू स्क्वायर रोम्बस पैरेललोग्राम रेक्टेंगल ईटीसी एंड सेंट्रॉइड सरकम सेंटर इन सेंटर, ये वाले क्वेश्चंस हमने सारे इस लेक्चर में डिस्कस करे हैं। तो विद दिस आई कंक्लूड दिस लेक्चर। थैंक यू।